हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक इन जेल। शाही पकवान में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भज्जी, पकोड़े भी बोल सकते हो आप उसको। तो हम आज बनाने जा रहे हैं मिक्स भज्जी। आप सुबह में या तो शाम के टाइम पे चाय के साथ, चटनी के साथ आप कभी भी खा सकते हो। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो चलो हम बनाते हैं। तो पहले तो हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पे हाफ कप पालक, हाफ कप यहाँ पे मेथी हम ऐड करेंगे। ये हमने चॉप करके ही हमें ऐड करना है। यहाँ पे हाफ कप हम यहाँ पे तांदड़िया की भाजी ले रहे हैं और 1/4 कप यहाँ पे मैं सुवा भाजी ले रही हूँ और 1/3 कप यहाँ पे हम धनिया चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल रहे हैं। उसको हम एक बड़े बाउल में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप चाहे तो सूखा लहसुन अगर आपके पास है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अभी मौसम है जो ग्रीन मिल रहा है तो हम ग्रीन ही ऐड कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक 1 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून गर्म मसाला और 1/4 कप यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ और 2 ग्रीन चिली मैंने चॉप करके ऐड किए हैं। हम यहाँ पे पूरा 2.5 कप यहाँ पे हम बेसन यूज़ कर रहेंगे, लेकिन हम जो बेसन यूज़ कर रहे हैं वो हमें धीरे धीरे करके ऐड करना है, एक साथ में नहीं डालना है। पहले हम 1 कप इसके अंदर ऐड करेंगे और 1/2 कप इसके अंदर पानी ऐड करके हम उसको मिक्स कर देंगे। इसको हमें अच्छी तरह से हम मिक्स करना है क्योंकि लम्स वगैरह ना रहे, इसीलिए हमें धीरे धीरे करके हम इसके अंदर बेसन डालेंगे, एक साथ में बेसन नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये पानी है उसके अंदर, क्योंकि हमने पहले 1 ही कप ऐड किया है बेसन, इसीलिए भाजी के साथ जब बेसन पूरा मिक्स हो जाए उसके बाद ही हम जो बाकी का बचा है 1.5 कप वो इसके अंदर ऐड करके हम इसको मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो रहा है। तो ये हमारा मिक्स हो गया है। इसके अंदर हम 1/4 कप यहाँ पे ऑनियन डाल रहे हैं, ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते तो भी नहीं डाल सकते हो। इसको मिक्स कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करें 1/4 मीन्स के पिंच जितना ही हम इसको सोडा डालेंगे और इसके ऊपर हम एक लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। सोडा और लेमन जब आपको बनाना हो भज्जी तभी आप इसके अंदर ऐड करिए। तो इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमने जो ऑयल है वो गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पर। तो बैटर के अंदर हम थोड़ा सा गर्म ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जब भी हम भज्जी बनाएं तो ये ऑयल है वो कम एब्जॉर्व करे, इसीलिए। तो जब भी आप पकोड़े वगैरह कुछ भी बनाओ, कोई भी पकोड़े बनाओ, तब आप थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड कर दोगे तो ये कम ऑयल है वो एब्जॉर्व करेगी। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमें एक के बाद एक हम उसको भज्जी को हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और जो गैस की फ्लेम है वो हमें लो ही रखनी है ताकि ये बाहर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से कच्चा रहे वो ना हो, इसलिए हमें जो गैस की फ्लेम है वो हमें लो ही रखनी है। तो बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे और ऐसे ही हम उसको फ्राई करते रहेंगे। तो है ना, ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाने वाला भज्जी। तो ये पहले हमने डाला था भज्जी वो हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेंगे और धीरे धीरे करके हम दूसरों को भी ऐसे चलाते रहेंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलना ताकि जो मेरी आने वाली रेसिपीज है वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हमारा भज्जी है वो फ्राई हो चुका है, तो हम इसको निकाल रहे हैं। तो बाकी का जो भी बचा है उसको भी हम इसी तरह से हम फ्राई कर देंगे। तो है ना, ये बहुत इजी तरीके से बन जाने वाला। आप सुबह में, मॉर्निंग में, या तो शाम में, इवनिंग के टाइम पे आप कभी भी चाय के साथ या तो चटनी के साथ आप खा सकते हो। अगर ये बच्चे हैं आपके तो वो पालक वगैरह कुछ भी नहीं खाते तो इस फॉर्म में आप उसको खिला सकते हो।
हमारा फ्राई होते जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि गैस की फ्लेम मैंने स्लो ही रखी है और वैसे बीच बीच में हम उसको चलाते रहेंगे। फ्राई होता जा रहा है, हम उसको हम निकाल लेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाता है तब हम उसको निकाल लेंगे। अब ये सर्दी का मौसम है तो ये कभी भी मन करता है गरम गरम चीज़ें खाने की, तो बेस्ट भी है, आप भजी पकोड़े फॉर्म में खा सको। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है, तब हम उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं मिक्स भाजी भज्जी, मिक्स भाजी पकोड़े। तो एंजॉय इट, थैंक यू।